Hello students, today we are going to discuss about exercise 6.3 class 10 question 4. In figure QR by QS equal to Q2 by PR and angle 1 is angle 2, show that triangle PQS similar hai triangle TQR ke. PQS similar hai hamara TQR ke, badi triangle choti triangle ke similar humne dikhani hai, theek hai? तो गिवन क्या है आप देखिए क्यू आर बाय में क्यू एस इज क्यू टी बाय में पी आर और एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. एंगल वन कौन सा हमारा ये एंगल टू ये, तो हम क्या कह सकते हैं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. दूसरा हम इसको क्या लिख सकते हैं क्यू टी बाय क्यू आर इज क्यू एस बाय पी आर या पी आर बाय में क्यू एस. आप यहाँ देख लीजिए क्यू टी बाय में क्यू आर, ऐसे ही पी आर बाय में क्यू एस, पी आर बाय में क्यू एस और क्यू टी बाय में क्यू आर, ये क्या होंगे हमारे इक्वल. क्या क्यों होंगे हमारे ये इक्वल, यहाँ से आप देखिए पी आर इज इक्वल टू पी क्यू हो गया, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है. पी आर जो हमारा पी क्यू के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि साइड्स अपोजिट ऑफ इक्वल ट्रायंगल आर इक्वल, साइड्स अपोजिट ऑफ इक्वल आर इक्वल. अपोजिट्स एंगल इक्वल है साइड्स के, तो हम लिख सकते हैं पी आर इक्वल है पी क्यू के. यहाँ से फ्रॉम वन एंड टू ये हमारा वन है और वो टू है, ये वन है ये टू है. फ्रॉम वन एंड टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट क्यू टी बाय में क्यू आर इज पी क्यू बाय में क्यू एस, इज पी क्यू बाय में क्यू डी इज क्यू एस बाय में क्यू आर. इन ट्रायंगल ट्रायंगल्स पी क्यू एस एंड पी क्यू आर वी हैव पी क्यू बाय में क्यू डी इज क्यू एस बाय में क्यू आर एंड एंगल पी क्यू एस इक्वल है टी क्यू आर, ठीक है, बाय ऐसे एस क्रिटेरिया इक्वल एंगल क्यू. कौन सा क्रिटेरिया हो गया, बाय एस ए एस क्रिटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ट्रायंगल पी क्यू एस इक्वल है ट्रायंगल टी क्यू आर. एक बार फिर चेक कर लीजिए आप क्या गिवन है हमारे पास. ट्रायंगल गिवन है, उसमें है क्यू आर डिवाइड में क्यू एस, क्यू आर बाय में क्यू एस, क्यू टी बाय में पी आर, ठीक है. वी शो दैट एंगल वन एंड एंगल वन इज एंगल टू. जब एंगल वन एंगल टू के गिवन है, अपोजिट एंगल गिवन है, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे हमारे, तो हम लिखेंगे पी आर बाय में पी क्यू इक्वल है. अपोजिट एंगल गिवन है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल. और यहाँ से हमने लिखा क्यू आर बाय में क्यू टी और पी आर बाय में क्यू एस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो या यहाँ से देखो क्यू आर बाय में क्यू एस, क्यू टी बाय में पी आर, ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं क्यू टी बाय में क्यू आर, पी आर बाय में क्यू एस. एक साइड हमने ऐसी लेनी है, एक बेस लेना है, वो लिया हमने. अब फ्रॉम वन एंड टू दोनों से हम क्या लिख सकते हैं क्यू टी बाय में क्यू आर, पी क्यू बाय में क्यू एस, पी क्यू बाय में क्यू टी भी लिख सकते हैं, क्यू एस बाय में क्यू आर. तो सब दोनों ट्रायंगल से हम क्या लिखेंगे पी क्यू बाय में क्यू टी, पी क्यू बाय में क्यू टी इज क्यू एस बाय में क्यू आर, ठीक है. बड़े ट्रायंगल्स
क्या है पी क्यू, वाई में क्यू टी, नीचे छोटी साइड ऊपर बड़ी साइड, ऐसे ही क्यू एस वाई में क्यू आर। तो दोनों ट्रायंगल से एंगल क्यू क्या है हमारा, कॉमन है, पी क्यू एस, टी क्यू आर या क्यू, ठीक है, क्यू एंगल इक्वल है। तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया सिमिलरिटी ट्रायंगल पी क्यू एस इक्वल है हमारा ट्रायंगल टी क्यू आर के। ये था आपका क्वेश्चन फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 6.3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर, पी आर पे और क्यू आर पे एस और टी पॉइंट्स हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर एंड आर टी एस, आर टी एस हमने क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है, ठीक है। हम यहाँ देखेंगे एंगल आर पी क्यू इक्वल है हमारा आर टी एस के, आर पी क्यू आर टी एस के, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, गिवन है। दूसरा हमने देखा पी आर क्यू इक्वल है टी आर एस के, पी आर क्यू टी आर एस के कॉमन है, क्या लिखेंगे हम, कॉमन, ठीक है, बाय ए ए क्रिटेरिया। कौन सा क्रिटेरिया हो गया, ए ए ऑफ सिमिलरिटी, कौन सा क्रिटेरिया, ए ए ए सिमिलरिटी। ट्रायंगल आर पी क्यू हमारा सिमिलर है आर टी एस के, कुछ नहीं करना, एक एंगल गिवन है एक कॉमन है, तो बाय ए ए क्रिटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हमारी इक्वल हो गई, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सिक्स। इन फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ए बी ई ए सी डी, ठीक है, ये इधर की इधर के कॉन्ग्रुएंट है, देन शो दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ए डी ई ए बी सी के सिमिलर है, ये हमने दिखाना है, ठीक है। हम देखते हैं गिवन क्या है, हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, गिवन है। यहां से हम क्या लिखेंगे, ए बी ई और क्या है ए सी डी, कौन सा कॉमन है यहाँ से, ए बी और ए सी, ठीक है, ए बी इक्वल ए सी, क्या लिखोगे आप यहाँ से, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ए बी इक्वल ए सी, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ऐसे ही हम लिखेंगे ए ई इक्वल ए डी, ए ई इक्वल ए डी, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आएगा, ए बी बाय में ए डी, ए बी बाय में ए डी, इधर से ए सी बाय में ए ई, इक्वल किसके होगा, ए बी बाय में ए सी, और क्या लिखेंगे हम, ए डी बाय में ए ई, ए बी बाय में ए सी, ए डी बाय ए ई। सबसे पहले हमने क्या लिया, ए बी बाय में ए डी, ए सी बाय में ए ई, यहाँ से हमने लिया ए बी बाय में ए सी, ए डी बाय में ए ई, कर सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ से हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ए बी सी, क्या लिखेंगे, ए बी बाय में ए सी इक्वल है ए डी बाय में ए ई, ठीक है। यहाँ से हो गया एंगल बी ए सी इक्वल हो गया डी ए ई के, बी ए सी डी ए ई, क्या लिखेंगे हम, कॉमन है ये, क्या लिखेंगे हम, कॉमन, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं दस
बाय एस ए एस क्रिटेरिया। टू तो साइड्स हो गई, एक एंगल हो गया। क्रिटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, क्रिटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी के। एक बार फिर देख लीजिए आप क्या है हमारे पास, गिवन है ए बी ई हमारा कॉन्ग्रेंट है ए सी डी के। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल तो कॉमन है, ठीक है, ये एंगल कॉमन है तो हम बाद में लिख लेंगे सिमिलर दिखाने के लिए, छोटी ट्रायंगल के बड़ी ट्रायंगल जब हमने सिमिलर दिखानी है। एक बात आप ये देखिए, आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं जब ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की साइड्स को भी हम इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ से ए बी इक्वल इज, इक्वल होने के बाद हम यहाँ से देखो इस छोटे ट्रायंगल में क्या है, ए इक्वल ए डी लिख सकते हैं। यहाँ से हमने लिखा ए बी बाय में ए डी, ए सी बाय में ए, और उसका अपोजिट करके लिख सकते हैं हम ए बी बाय में ए सी, ऐसे ही ए डी बाय में ए। अब ट्रायंगल्स में दो चीज ये आ गई हमारी, दो साइड्स आ गई, एक एंगल आ गया, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आर इक्वल। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।